हेलो फ्रेंड्स, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 8 अप्रैल 2023। ड्यूरिंग द वीक करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है आइए देखते हैं, और यहां से हमें नेक्स्ट वीक के लिए कैसे तैयारी करना है उसका एक विचार करते हैं। डॉलर इंडेक्स जो क्लोज दिया है 102.09, इंडेक्स का जो वीकली रेंज है वो लो पे है 101.88 और ऊपर है 102.27, एक स्मॉल बॉडी कैंडल इनसाइड बार टू द प्रीवियस वीक्स कैंडल। दैट बीइंग द केस, वीकली पे क्या कह रहा है कि प्रीवियस वीक यानी थर्ड आपका RSI at 38 पे है। इसको 38 पे जो RSI है 38.28, यहाँ पे अगर इसको नीचे जाना है ऑन ए वीकली बेसिस तो RSI को फर्दर बिलो 40 ही कंटिन्यू करना है। मंथली पे जो देखना है ये आपका रेंज शिफ्ट हुआ है, आपका कंफर्म हुआ है मार्च महीने में। डेट बीइंग द केस, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर इंडेक्स पे ऑन ए हायर टाइम फ्रेम सेल अपटिक्स में भी कंसिडर्ड। डॉलर रुपी ये आपका फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वो है 81.84। वीकली एक साइडवेज मूवमेंट में अटका हुआ है एज पर इज द RSI इज कंसर्न्ड। दैट बीइंग द केस, ऑन द हायर साइड जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 83.30 एंड नीचे के तरफ आपका 80.70 से 81.00, इस रेंज के अंदर में डॉलर रुपी मेजर मूवमेंट करना चाहिए। मंथली जो आपका प्राइस एक्शन है सिमिलरली उस रेंज के अंदर में ही है। जब तक इस मंथली रेंज के अंदर में रहेगा डॉलर रुपी विद इन द रेंज वॉलीटिलिटी करता रहेगा। इसको अगर ऊपर जाना है तो इस रेंज के ऊपर की तरफ 83.20-83.30 के ऊपर क्लोज देना है ऑन ए डेली बेसिस, देन ऑन वीकली बेसिस, देन एंड ओनली देन डॉलर रुपी वी कैन थिंक अबाउट द हायर लेवल्स। इसको अगर नीचे आना है तो 81 के नीचे डेली एज वेल एज वीकली क्लोजिंग आने वाले दिनों में एंड हफ्तों में देना चाहिए। देन एंड ओनली देन रुपी एप्रिसिएशन के बारे में कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते। GBP डॉलर जैसे कि हमारा एनालिसिस था डेली पे, जहाँ पे डॉलर रुपये 1.25 के आसपास था, GBP डॉलर 1.25 के आसपास था, उस समय पे एक रिट्रेसमेंट के लिए हम एक सोच विचार कर रहे थे, रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स द सेंटर बैंड। अगर सेंटर बैंड के आसपास सपोर्ट लेके उसके बाद जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1.2450 का जो एक रेजिस्टेंस है उसको अगर कन्विंसिंगली तोड़ता है तो जाके एक अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ देखने वाला चीज क्या है, डेली बेसिस में आपका 14 दिसंबर का एक स्विंग हाई था, देन 23 जनवरी का एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसके बाद आपका 4 अप्रैल में ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये ऊपर की तरफ गया नहीं है, कंटिन्यूएशन नहीं था, रेदर फॉल्स ब्रेकआउट के हिसाब से ये रेंज के अंदर में चला आया है। डेट बीइंग द केस, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये थोड़ा सा और रिट्रेस कर सकता है, मे बी टुवर्ड्स द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड करेंटली व्हिच इज एट 1.2300। वीकली में अगर देखेंगे RSI टर्म्स में ये एट 60 पे, सो इसको क्या ये 60 लेवल्स में एक नेगेटिव कैंडल बना के फर्दर नीचे की तरफ सॉफ्ट होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर ये 60 के ऊपर आने वाले हफ्ते में सस्टेन कर जाता है, इन सच ए केस कंटिन्यूएशन हम देखेंगे अबव दिस रेजिस्टेंस व्हिच इज एट 1.2450, उसके ऊपर एक कंटिन्यूएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर दैट वीकली जो RSI है वो 60 के ऊपर क्लोज देना चाहिए। मंथली पे रेंज शिफ्ट आ चुका है ये आपका फरवरी वर्सेस मार्च में। दैट बीइंग द केस, एक बार अगर वीकली क्लोजिंग अबोव 1.25 दे देता है
we may expect the GBP dollar to move towards 1.32 on a longer time frame. GBP INR पे भी similarly हमारा जो previous last daily analysis था वहाँ पे हम एक retracement के लिए expectations कर रहे थे और उसी हिसाब से पिछले दो दिनों में retracement आ चुका है और भी थोड़ा room है towards the center band of the Bollinger band which is currently at 101.18. So क्या ये center band में support लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा या और थोड़ा रिट्रेस करेगा नीचे की तरफ, ये हमें प्राइस एक्शन से देखना पड़ेगा। अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर वीकली पे। ये है आपका, यहाँ पर भी आप देखोगे जो एक रेजिस्टेंस लाइन था 102.60 उसी पे एक टच करके नीचे आया है। डेट बीइंग द केस, अगर नेक्स्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म होता है समथिंग लाइक दिस, इन सच ए केस जीबीपी आईएनआर पे एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो थोड़ा और टाइम पास करेगा बिफोर ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड। मंथली इज ऑल्सो अप्रोचिंग 60 एज फार एज आरएसआई इज कंसर्न। डेट बीइंग द केस आपका जो 103.50 से 105.25 इसके बीच में एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, उस लेवल पे यानी 103.75 104 के आसपास न्यू लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करना चाहिए, रेदर हमें एक पुल बैक का इंतजार करना चाहिए। पुल बैक के बाद हमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। अभी यूरो डॉलर जो वीकली क्लोज दिया है 1.0899, सो यहाँ पे जो प्राइस एक्शंस बन रहा है इसके हिसाब से आपका जो कल का लो है डेट इज 1.0875, इसके लो के नीचे और थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है टुवर्ड्स 1.0800 के तरफ। ऑल्सो डेली आरएसआई इज होवरिंग अराउंड 60। दैट बीइंग द केस हमें देखना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है या सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, क्या एक्टिविटीज होता है। वीकली आरएसआई is above 60, that being the case यहाँ पे और थोड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन जो इमीडिएट 1.1050 इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। मंथली पे भी एक बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? इस हाई के ऊपर डेट इज 1.1050 के ऊपर अगर डेली एंड देन वीकली अगर क्लोजिंग दे देता है, इन सच ए केस यूरो डॉलर और भी फर्दर अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनआर एज एक्सपेक्टेड आपका 90.40 के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। इमीडिएट जो सपोर्ट है सेंटर बैंड डेट इज 88.90 के आसपास। क्या ये 88.90 पे सपोर्ट लेता है या और थोड़ा सेल ऑफ होता है, ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। इसका कारण क्या है? आरएसआई जो है होवरिंग अराउंड 60, इसमें अगर रेजिस्टेंस का कॉन्फर्मेशन आता है तो थोड़ा और थोड़ा सेल ऑफ हम इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली आपका आरएसआई जो है अबव 60 में है बट एट इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन। क्या रेजिस्टेंस जोन है? मंथली टाइम फ्रेम में आपका 89.50 से आपका 91.00 डेढ़ बीगी का जो रेंज है, इट इज एक्सपेक्ट टू एक्ट एज ए मेजर रेजिस्टेंस जोन। सो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। मंथली पे भी आप देखो इमीडिएटली फेसिंग रेजिस्टेंस आरएसआई एट 61.61। डेट बीइंग द केस ये थोड़ा सा यहाँ पे हेजिटेट करना चाहिए टू मूव अपवर्ड, रेदर इस प्राइस एक्शन एज वेल एज आरएसआई के हिसाब से इस एरिया पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है या टाइम पास कर सकता है। एक बार 91 के ऊपर ब्रेकआउट कर गया तो वी कैन एक्सपेक्ट सम हायर टेरिटरी इन यूरो आईएनआर। डॉलर येन 132.13 पे वीकली क्लोज दिया है। यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि डेली पे थोड़ा सा आपका रेंज शिफ्ट या टेकिंग सपोर्ट, नॉट एग्जैक्टली रेंज शिफ्ट बट टेकिंग सपोर्ट एट 40 एंड ट्राइंग टू मूव हायर। तो आने वाले दिनों में हमें देखना है कि क्या इस
डेली के हिसाब से डॉलर येन क्या इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ये जो जोन है, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर जोन, 133.00 से 133.75 इस रेंज को ब्रेक करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अपवर्ड मोमेंटम, अदरवाइज अगेन इट विल ट्राई टू टेस्ट RSI 40, दैट मीन्स ऑन द डाउनवर्ड साइड। आप अगर वीकली देखोगे यहाँ पर भी वीकली पे 40 पे सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है, सो यहाँ पे हमें इसको बुलिशनेस कितना तगड़ा होता है वो हमें देखना पड़ेगा। मंथली पे लेकिन ये एक रेंज शिफ्ट है, मंथली पे रेंज शिफ्ट है, दैट बीइंग द केस इसका कॉन्फर्मेशन कब होगा, जब ये आपका फरवरी मंथ का जो लो है, फरवरी मंथ का लो कितने में है 128, इसके लो के नीचे अगर डेली एंड वीकली क्लोजिंग दे देता है तो ये कॉन्फर्मेशन हो जाएगा। इन सच केस डॉलर येन इज एक्सपेक्टेड टू मूव फर्दर लो, यानी येन इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन अगेंस्ट द डॉलर्स। येन INR पे थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है इन बिटवीन 61-6150 एंड 63 के बीच में। यहाँ पे ये जो पिन बार है एट द सेंटर बैंड, दैट इज एट ऑन 31 मार्च का जो पिन बार बनाया हुआ है जिसका लो है 61.50 ही ले लेते हैं, इसके लो के नीचे हम एक शार्प सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हायर एज जब तक ये प्रोटेक्ट करता है थोड़ा साइडवाइज कंसोलिडेशन इस इंस्ट्रूमेंट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, साइडवाइज कंसोलिडेशन टिल 31 मार्च का लो ब्रेकडाउन नहीं करता है ऑन द डाउनवर्ड साइड। मंथली पे वीकली पे आते हैं, पहले वीकली ये 40 पे सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है एंड मंथली पे भी साइडवाइज 40-60 के बीच में है, तो मंथली पे भी मेजर कुछ एट द मोमेंट दिख नहीं रहा है। डॉलर कैंडी वीकली क्लोज दिया है 1.3513 पे। ये अभी जो आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप, पहले इसको ब्रेक डाउन किया 1.3650 तो इमीडिएट जो सपोर्ट बन सकता था ये 135.30, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद अभी वापस इसको टेस्ट करना है। सो मंडे ऑनवर्ड्स हमें देखना है कि क्या इस जोन को रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा नीचे की तरफ आता है। इन सच ए केस इमीडिएट जो 34 अप्रैल का जो लो है दैट इज 1.34 इसको टेस्ट करेगा एंड ब्रेक डाउन बिलो 1.34 इट मे टेस्ट 132.50 के 1.3250 के तरफ। वीकली पे एक पिन बार बनाया हुआ है बट इट का लोकेशन इज नॉट दैट मच ग्रेट बिकॉज इट इज बिलो द सेंटर बैंड। सो अगर ये पिन बार के लो के नीचे चला जाता है डॉलर कैंडी ऑन ए डेली बेसिस डेली क्लोज दे देता है तो एक शार्प सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Whereas on the monthly time frame, एक outside inside Bollinger Band setup है plus RSI resistance at 60. That being the case, immediate जो target हो सकता है 132-132.50, एक बार 132-132.50 के नीचे weekly close दे देता है, then we may expect a further sell-off towards 126-127. Aussie dollar आपका higher level पे, that means ये जो आपका 67 and 6750 का जो रेजिस्टेंस उसको तगड़े हिसाब से क्लोज कर नहीं पाया, आपका 3 अप्रैल को ब्रेकआउट किया था लेकिन उसके बाद कंटिन्यू कर नहीं पाया, रेदर फिर दोबारा नीचे आ चुका है। दैट मीन द केस यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन बन चुका है ऑन द लोअर साइड आपका 0.6570 एंड ऑन द हायर साइड आपका 0.68, इसके बीच में थोड़ा सा विथ ए स्लाइट सेलिंग बायस रह सकता है जब तक ये लो प्रोटेक्ट करता है। एक बार लो ब्रेक हो जाता है तो हम इसका फर्दर डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली आपका पिन बार बनाया हुआ है टेकिंग रेजिस्टेंस एट सेंटर बैंड, दैट मीन द केस इस पिन बार के लो के नीचे हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली में भी आपका साइडवेज फिलहाल बरकरार है एंड नीचे की तरफ 6250 से 6300 के बीच में एक सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं CNH पे बहुत ही जबरदस्त चीज बन रहा है। क्या जबरदस्त चीज है वो थोड़ा ध्यान में दीजिए। 30 मार्च का जो कैंडल है इसका जो
रेंज ये काफी इम्पोर्टेंट बन चुका है। क्यों बन चुका है? बिकॉज 13 अप्रैल के बाद आप देखोगे 7 trading days इस मदर कैंडल के रेंज के अंदर में ही प्राइस एक्शन करता रहा। फिर 8th candle ऑन 23rd मार्च ब्रेक डाउन किया, लेकिन ब्रेक डाउन के बाद कॉन्टिन्यूएशन था नहीं, रेदर फिर दोबारा ऊपर आ चुका है। एंड ऊपर आने के बाद 4, 8, 9, 10, 11 दिन से फिर दोबारा मदर कैंडल के रेंज के अंदर में। डेट बिंग द केस, ये जो मदर कैंडल का जो रेंज है इट हैज बिकम वेरी क्रूशियल। क्या क्रूशियल है? इसके लो के नीचे अगर कॉन्टिन्यूशन, एक तो ब्रेक डाउन एंड देन कॉन्टिन्यूशन, तो यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ हो सकता है। अबव द हाई एंड उसके ऊपर के तरफ कॉन्टिन्यूशन में टेक CNH ऑन द हायर साइड। सो दिस रेंज हैज बिकम वेरी क्रूशियल। वीकली में भी छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, सो साइडवाइज एक्सपेक्टेड है। मंथली पे भी आपका रेंज शिफ्ट कॉन्फर्मेशन हो रहा है, दैट मीन द केस थोड़ा सा साइडवाइज यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूके ऑयल अच्छा खासा ऊपर में क्लोज दिया है 84.73। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो है आपका 89 एंड नीचे की तरफ जो सपोर्ट हो सकता है वो 79। दोबारा ये 79 एंड 89 के बीच में एक रेंज बाउंड मूव करने का प्रयास करेगा। वीकली पे ये 40 पे सपोर्ट लेके बार बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, दैट बीइंग द केस लोअर साइड में ये देयर आर वेरी डिफिकल्ट, मींस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन ऑन द लोअर साइड, रेदर ऊपर की तरफ एक अपवर्ड मूवमेंट आने वाले हफ्तों में मीडियम टाइम फ्रेम पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली पे ये साइडवेज एक्सपेक्टेड है। US 10-year ट्रेजरी जो फ्राइडे को क्लोज दिया है वो 3.413 पे। इसका कारण है जो NFP डेटा है, NFP डेटा के बाद देयर आर स्पेकुलेशंस कि नेक्स्ट आपका MPC फेड का जो रेट फेड मीटिंग होगा वहाँ पे अनदर क्वार्टर बेसिस पॉइंट रेट हाइक का एक प्रोबेबिलिटी आ रहा है। दैट बीइंग द केस ये तो हो गया प्रोबेबिलिटीज विथ रेस्पेक्ट टू आपका डेटा। देन विथ रेस्पेक्ट टू द प्राइस एक्शंस यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। एक तो है सेंटर बैंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड विच इज करेंटली एट 3.4850। देन ये जो स्विंग हाई है आपका विच इज एट 3.61। दीज टू लेवल्स आर वेरी क्रूशियल। अगर आने वाले दिनों में एक तो है ये लेवल 3.48 तोड़ना नहीं चाहिए, रेदर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बाउंस नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करना चाहिए। अगर इन केस इस 3.48 को ब्रेकआउट करता है ऑन द हायर साइड, एट एनी केस ये 3.62 को आने वाले दिनों में क्रॉस नहीं देना चाहिए, रेदर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फर्दर नीचे की तरफ आना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम में दिस हैज बिकम 3.30 से 3.32 बिकम्स ए वेरी क्रूशियल लेवल जहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। लेकिन ये कब तक सपोर्ट लेगा? जब तक ये आपका फेड पॉज या कट डिसाइड नहीं करता। एक बार ये रेंज को ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करता है नीचे के तरफ तो मेल्टिंग होना चालू हो जाएगा। मंथली पे भी आपका ये 60 के आसपास है, तो इसीलिए आप देखोगे कि शार्प फॉल इमीडिएट नहीं होगा, थोड़ा टाइम पास करेगा उसके बाद ही ये नीचे के तरफ आने का प्रयास करेगा। 2 year सिमिलरली फ्राइडे का आफ्टर NFP डाटा बाउंस बैक किया एंड क्लोज 3.993। दैट बीइंग द केस इमीडिएटली सेंटर बैंड इज गोइंग टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। उसके बाद ये जो जोन है 4.18 से 4.26 ये रेंज इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें फिर दोबारा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। वीकली पे एक बड़ा पिन बार बनाया हुआ है, दैट बीइंग द केस ये पिन बार एंड द प्राइस एक्शंस, प्राइस एक्शंस बहुत ही नेगेटिव बना रहा है। इसके ये जो वीकली प्राइस एक्शंस है वो क्या कह रहा है कि आपका जो 27th मार्च का जो वीकली क्लोजिंग है इसके हाई के ऊपर एक अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली पे थोड़ा जो मार्च महीने का जो मदर कैंडल है इसके अंदर में ही थोड़ा टाइम पास करेगा बिफोर इट इज ब्रेकिंग डाउन ऑन द लोअर साइड। एंड ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन आपका 2 year एंड 10 year जो है अभी
ये 42 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आ चुका है, इसको हमें रेगुलर बेसिस में ट्रैक करना चाहिए. सो वीकली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. यहाँ पे हमने ये देखने का प्रयास किया है कि प्राइस कैसे बिहेव कर सकता है. एज ऑफ नाउ ऐसा ओवरऑल ऑल जो डिस्कशंस हमने किए हैं उसके हिसाब से डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर जाने के बाद 102.5070 लेवल पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है. जीबीपी डॉलर पे थोड़ा सेल अप होके ये 1.23 के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है. यूरो डॉलर पे भी 1.08 के आसपास आ सकता है एंड वहाँ पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है. डॉलर येन पे इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 133.25 से 133.75. सो इसको अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ थोड़ा सा अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड डॉलर रुपी पे थोड़ा सा क्लैरिटी मिसिंग है बिकॉज द रेंज इज बहुत ही बड़ा रेंज है एज अ बट मोटा मोटा ये देख सकते हैं कि 8150 8160 के नीचे प्राइस जाना नहीं चाहिए नेक्स्ट वीक में. इसका ओनली रीजन है कि इनविजिबल हैंड्स इसके नीचे अगर चला जाता है प्राइस एक्शंस तो दोबारा ये 81 के तरफ जा सकता है. हायर इज ऑन द हायर साइड 82.60, 82.80 के ऊपर मेजर रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दिस इज द ओवरऑल नटशेल व्हाट वी मे एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर. सो अभी के लिए वीकली एनालिसिस इतना ही. आप सभी का दिन और हफ्ता शुभ हो. सो दैट मंथ मंडे ऑनवर्ड्स आप नए एनर्जी के साथ नए मार्केट को फेस करने का एक फ्रेश माइंड के साथ मार्केट को अप्रोच कीजिए. सो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू एंड बाय बाय.